सो गाइज, फाइनली TVS ने लॉन्च कर दिया अपनी अपाची RR310 का 2021 वेरिएंट। दोस्तों, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इस बाइक से कि हमें इस बाइक में ये चेंज देखने को मिल जाएंगे, वैसा तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इस बाइक में आपको माइनर से चेंज देखने को मिलते हैं, कुछ फीचर्स इसमें अच्छे मिल जाते हैं एंड कुछ फीचर इसमें आपको नॉर्मली मिलते हैं जो कि आपको पहले भी मिलते थे। तो आज बेसिकली बात करने वाले हैं इसके सारे चेंजेस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में जो कि पहले से थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही इसमें आपको डायनेमिक किट एंड रेस किट भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जिसमें आपको बाइक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि इस बाइक में आपको न्यू कलर स्कीम देखने को मिल रही है, जैसा कि कंपनी ने इसे 2 कलर वेरियंट्स में लॉन्च किया है। पहला इनका है दोस्तों, ये एक इनका रेसिंग एडिशन, जिसमें आपको बाइक में काफ़ी अच्छे कूल ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बाइक में आपको रेड कलर के एलॉयल्स भी देखने को मिलते हैं एंड जो इसकी ग्राफिक्स है वो मतलब रेस से इंस्पायर्ड है। साथ ही इसका जो पहले वाला कलर आता था ब्लैक एंड ग्रे, उसमें भी अब आपको रेड कलर के एलॉयल्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज, ये तो हो गई इसके बेसिकली कलर स्कीम के बारे में बात। एंड अब बात करते हैं कि बाइक में इंटरनल क्या क्या चेंज किया गया है। तो सबसे बड़ा जो चेंज है दोस्तों, वो है इसके एडजस्टेबल फ्रंट फॉक्स, जो कि दोस्तों एक स्पोर्ट्स बाइक में काफ़ी मायने रखता है। TVS Apache RR में अब आपको एडजस्टेबल फ्रंट फॉक देखने को मिलते हैं एंड रेयर में भी आपको इसके जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अपने राइडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव पॉइंट पे आते हैं, जहां आपको जो आपका हैंड था पहले काफ़ी वाइड रहता था, जो कि अब नहीं रहेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें इसकी नेक्स्ट चेंज की, तो इसमें जो अब इसका एग्जॉस्ट है उसमें दोस्तों मफलर एंड एंगल चेंज किया गया है। एग्जॉस्ट का जो एंगल है उसको थोड़ा सा एग्रेसिव किया गया है, ताकि जो बाइक है वो कॉर्निंग अच्छे से कर सके एंड जो मतलब साइलेंसर है वो जो आपका रोड साइड या ट्रैक है उस पर टच ना हो। साथ ही बात करें इसके नेक्स्ट अपडेट की, तो बाइक में इसके एक मीटर कंसोल में काफ़ी अच्छा अपडेट या फीचर डाला गया है दोस्तों, जिसमें आप अपने बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लाइसेंस हो गया या फिर RC हो गई या फिर आपके बाइक के पेपर्स हो गए जितने भी हैं, वो आप अपने मीटर कंसोल में एक ऐप के थ्रू सेव कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप अपने मीटर कंसोल में ही उन पेपर्स को या डॉक्यूमेंट्स को शो कर सकते हैं। तो इससे आपकी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिससे कि आपको अपने जो पेपर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके कहीं नहीं घूमने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट उन्हें अपनी बाइक में ही दिखा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात लगी दोस्तों मुझे तो। साथ ही बाइक में जो फुटपैक्स है वो भी आपको थोड़े अपसाइड एंगल पर देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो पिलन है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल होगा एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्निंग के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हो जाती हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब बाइक में आपको गोल्डन कोटेड चेन देखने को मिल जाती है, जिसके लिए आपको दोस्तों अलग से कुछ अमाउंट पे करना होगा। अप्रोक्स शायद ये 12,000 रुपये की आपको पड़ेगी टोटल चेन सेट इसका। बट गाइस, ये जो चेन सेट है ये लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड एक स्पोर्टी बाइक का जो लुक है वो बाइक को प्रोवाइड करता है। साथ ही बाइक में आपको मिशलेन रोड 5 के टायर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको पहले मिलते थे। तो गाइस, ओवरऑल इस बाइक में जो चेंज थे वो यही थे, जो कि है हमारी अपाची 310 RR BTO। एंड बात करें इसके प्राइस की, तो गाइस इसमें आपका जो इसका बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो पड़ जाता है अप्रोक्स आपको 2,60,000 एक्स शोरूम। एंड बात करें इसके जो ये एडिशन आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप इसमें रेड ऑयल देख रहे हैं या फिर जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, इनके लिए आपको कुछ अलग से अमाउंट पे करना होगा, जो कि ये डायनेमिक किट एंड रेस किट करके जो इनके पैकेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो आपके पास अपनी पुरानी 310 RR है उसमें भी आप ये वाले जो स्टिकर्स है या फिर जो पार्ट एलोविल रेड एलोविल है ये आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने अमाउंट पे करके। तो अप्रोक्स देखा जाए तो अगर आप इनमें से कोई एक किट परचेज करते हैं तो आपका जो बाइक का ऑन रोड प्राइस जाएगा वो अप्रोक्स 3 लाख तक चला जाएगा इजीली। तो आपको एक 310 cc की बाइक 3 लाख तक की पड़ेगी, बट गाइस लुक वाइज आपकी जो बाइक है वो काफ़ी प्रीमियम लगेगी। एंड इसके अलावा गाइस, बाइक में कुछ पावर को लेकर या इंजन को लेकर कोई चेंज नहीं किया गया, सेम आपको पहले वाला राइडिंग मोड सेम मिलते हैं। साथ ही इसमें आपको सेम पावर, सेम इंजन, सब कुछ सेम देखने को मिलता है। जो भी बाइक में चेंज किए गए थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।